Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आई लैशेज ग्रोथ सीरम रेमेडी। इस रेमेडी को अप्लाई करने से आपकी जो आई लैशेज हैं वो थिक बनेगी, क्योंकि किसी किसी की जो आई लैशेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और किसी किसी की जो आई लैशेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। अगर आप भी अपनी आई लैशेज को थिक बनाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को अप्लाई करें। इस रेमेडी को अप्लाई करने से आपकी जो आई लैशेज हैं वो थिक बनेगी और साथ के साथ इस रेमेडी को आप अपनी आईब्रोज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी आईब्रोज भी थिक बन जाएगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, इसके लिए आपको कैस्टर ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो इसकी जगह पे आप जैतून का तेल भी ले सकते हैं, और लास्ट एलोवेरा जेल। कैस्टर ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव है आपकी आई लैशेज और आईब्रोज के लिए, क्योंकि ये उनकी ग्रोथ भी करता है और साथ के साथ उनको थिक बनाने में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। कोकोनट ऑयल आपकी आई लैशेज और आईब्रोज के लिए इसलिए इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये उनको मॉइस्चराइज करते हैं और साथ के साथ उनको शाइन बनाते हैं। बादाम का तेल आपकी आई लैशेज और आईब्रोज के लिए इसलिए बेनिफिट है क्योंकि ये उनकी ग्रोथ जल्दी करते हैं। लास्ट एलोवेरा जेल जो है आपकी आई लैशेज और आईब्रोज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और साथ के साथ उनको थिक बनाते हैं। इसके लिए आपको एक चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है, एक चम्मच कोकोनट ऑयल, एक चम्मच बादाम का तेल, और लास्ट एलोवेरा जेल भी आपने एक चम्मच ऐड करनी है। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अगर आप इस रेमेडी को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें जो एलोवेरा जेल है वो मार्केट वाली ऐड करें, क्योंकि इसको आप रूम टेम्परेचर में या रेफ्रिजरेटर में 5 to 6 डेज़ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप फ्रेश बनाकर उसी टाइम अपनी आई लैशेज और आईब्रोज पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, चाहे आप मार्केट वाली भी कर सकते हैं। इस सीरम को आप किसी भी डिब्बी में स्टोर करके रख सकते हैं और इस रेमेडी को आपने अपनी आई लैशेज और आईब्रोज पर अप्लाई करने के लिए आपको कॉटन बड लेना है, जहाँ आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा मस्कारा ब्रश होगा वो लेना है, और इसके लिए आपको मस्कारा ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लेना है। और अगर आपके पास मस्कारा ब्रश नहीं है तो इसकी जगह पे आप कॉटन बड भी ले सकते हैं। और इस रेमेडी को आपने रात को सोते टाइम अपनी आई लैशेज और आईब्रोज पर अप्लाई करना है। अगर आप इस रेमेडी को 7 days तक डेली अप्लाई करेंगे आपकी आई लैशेज और आईब्रोज जो है वो थिक बन जाएगी। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।